नमस्कार दोस्तों, शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए जीके के 30 प्रश्न को लेके आए हैं, जो डेली रात 10 बजे होता है। उसका आज भाग 5 है। कल के प्रश्न थे हम लोगों के कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो कौन सी वह अरावली पर्वत है। चलिए, अभी तक हम लोगों ने 190 क्वेश्चंस को कर चुके हैं, आज हम लोग 191 से करेंगे। यहाँ पे है क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है, तो किस राज्य से है, आंध्र प्रदेश से है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से, किससे है, केरल से है। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु से है। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का, किसका, केरल का है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो दामोदर नदी पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो किसे मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अगला क्वेश्चन है कि मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई, तो 1995 में शुरू की गई। चलिए अगला है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने, अशोक ने करवाया था। अगला है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच बनाती है, तो भारत तथा चीन के बीच कौन सी रेखा बनती है, तो वह हमारा मैकमोहन रेखा बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो किसका है, कर्नाटक का है। अगला है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है, तो कहाँ की है, बिहार की है। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो किस नदी को, गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीवा रेड्डी थी। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था, तो कौन सा है, वह लोथल है। अगले क्वेश्चन पे, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है, तो किसे माना जाता है, अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में होता है। अगला है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है, तो वह हमारा पुष्कर राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सार या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, तो यह कहाँ है, काठमांडू नेपाल में है। अगला है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे, तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, यह देहरादून में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला हम लोग का जो क्वेश्चन है वह है कि पंचतंत्र का लेखक कौन है, तो कौन है, विष्णु शर्मा है। अगला, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है, पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी, तो किसने, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। अगला है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो किसका है, मणिपुर का है।
लास्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो वह हमारा क्या है, केरल है। तो ये आज थे आप सभी लोगों के लिए जीके के 30 प्रश्न। अभी तक हम लोगों ने कितने प्रश्न कर चुके हैं, 220 प्रश्न को कर चुके हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल है @Sankar2, व्हाट्सएप है 7380800644, ईमेल आईडी है shankarstudypoint1992@gmail.com, इंस्टाग्राम पर है हमारा shankarstudypoint। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।